So today we'll study about properties of acids. So the first one is acids are sour in taste. Acids are sour in taste. जिसका मतलब है ये खट्टे होते हैं, जैसे कि जो लेमन होता है, लेमन, नींबू, और कैसे हो गए टोमेटोस, टोमेटोस, टमरिंड, एंड ऑफ कोर्स आगे हमारा लेमन एंड व्हाट, कर्ड. ठीक है, ये सारे होते हैं. अब कुछ एग्जांपल, जैसे कि टोमेटो में होता है हमारे पास ऑक्सालिक एसिड, टमरिंड में टार्टरिक, लेमन में सिट्रिक होता है. इसी से याद आया, ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, ऑरेंजेस में भी सिट्रिक एसिड होता है. और कर्ड में यू विल फाइंड अबाउट लैक्टिक एसिड, राइट. ये कुछ एग्जाम्पल हैं. और सेकेंड देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी की एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. सो इट इज ब्लू लिटमस को रेड में क्या कर देता है, चेंज कर देता है. ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यस, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं ये हम चैप्टर के लेटर पार्ट में हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे. ठीक है, थर्ड कंप्लीट हो गया कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट. ये तो हो गए कुछ तीन बातें, कुछ तीन प्रॉपर्टीज़. अब जो मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाली हैं, ध्यान से देखना. अब रिएक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. रिएक्शन वाली मतलब कि फर्स्ट वन इज़ दैट, मतलब हमारा जो फोर्थ वाला है, दैट इज़ एसिड्स की जो रिएक्शन होती है, एसिड्स विद मेटल्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है. यस, एसिड्स विद मेटल्स गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस व्हाट, सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन, H2 यानी कि, ठीक है, तो इधर हम प्लस लगा सकते हैं. सो एसिड्स प्लस मेटल्स गिव्स अस व्हाट, सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, एक एग्जांपल ज़रूर देख लेते हैं. एसिड्स लिया HCl और मेटल लिया Zn, तो क्या होगा, तो सॉल्ट क्या बनेगा, ZnCl2, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस तो फिक्स्ड है भाई, बनना ही बनना है. ठीक है, अब देखो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. इसमें बैलेंस करेंगे तो HCl हमारे पास क्या है, इधर दो हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, टू क्लोराइड, टू क्लोरीन बन गए, तो उधर भी दो है, इधर एक है जिंक, इधर भी एक है जिंक, तो अब बैलेंस हो चुका है. अब दे देते हैं इसको क्या स्टेट, इसके लिख देते हैं ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ZnCl2 एक्वस है, और ये गैस है. ठीक है, ऐसे आपको लिखना है. ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी कि एसिड्स प्लस मेटल्स गिव्स अस सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन. अब देखो, जैसे हमने HCl एसिड लिया तो इसका क्लोराइड वाला सॉल्ट बना. अगर हम H2SO4 करके लेते, H2SO4 प्लस Zn, तो ये कुछ ZnSO4 बनता प्लस H2. ठीक है, ZnSO4 यानी कि सल्फेट वाला. अब आप क्या करोगे, इसको कमेंट सेक्शन में इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, एंड साथ ही साथ इसके स्टेट्स भी लिखने हैं, क्या एक्वस है, लिक्विड है, या सॉलिड है, क्या है. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, एंड दैट इज़ फिफ्थ प्रॉपर्टी पे कि एसिड्स का अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो उस समय इन केसेस में हमारे पास सॉल्ट बनेगा, CO2 एंड H2O बनेंगे. ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशन है कि अगर एसिड्स के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट CO2H2O फॉर्म होगा. ठीक है, अब सॉल्ट किसका है, तो सॉल्ट मेटल सॉल्ट होगा ऑफ कोर्स. अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेटल को लेते हैं, क्या मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जांपल Na2CO3, यानी कि क्या ये सोडियम कार्बोनेट, और एसिड क्या ले, HCl ले लेते हैं, एंड इसका अब हम सॉल्ट बनाएंगे, तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, CO2 एंड H2O तो हमें पहले से पता है कि बनने ही बनने हैं. अब इसको हम करते हैं क्या, बैलेंस. तो देखते हैं बैलेंस हो पाता है या नहीं.
इधर क्या है, 2 Na है तो इधर भी 2 Na चाहिए, इधर CO3 है और क्या करें अब हम, इधर 2 Cl हो गया है तो इधर भी 2 Na चाहिए, ठीक है। अब इधर 2 Cl 2 Cl 2 Na 2 Na हो गया। अब देखते हैं इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर भी 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, 1 कार्बन नहीं, बैलेंस्ड हो चुके हैं, राइट, थैंक गॉड बैलेंस हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके स्टेट्स, ठीक है। Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट, तो इसका जो स्टेट होगा बेसिकली Na2CO3 का स्टेट है सॉलिड, HCl होगा एक्वस, NaCl का स्टेट होगा एक्वस, क्योंकि क्या है ये जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में है तो ये एक्वस स्टेट में होगा। CO2 विल बी व्हाट, गैशियस स्टेट में, गैशियस, राइट। नाउ हमने स्टेट्स भी लिख दिए हैं। सो दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर सॉलिड्स को मेटल कार्बोनेट्स के साथ अगर करे रिएक्ट, रिएक्शन करे इनका, सॉल्ट और CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ वन, सिक्स्थ इज, अच्छा इसका अगर हम देखेंगे, इसका अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करें NaHCO3, NaHCO3 प्लस HCl के साथ ही करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो वही चीज़ें बनेंगी, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O ही होगा। तो पहली वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में क्या फ़र्क है, एक ही फ़र्क है, वो तो क्या HCO3 है। लेकिन अगर इसको हम बैलेंस करके देखें तो एक बार हम पहली वाली इक्वेशन फिर से लिख देते हैं, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे H2O, और अगर बैलेंस कर ले इनको, बैलेंस्ड, यस बैलेंस भी हो चुका है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, अब इसको बैलेंस्ड करते हैं, Na Na, ठीक है, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, हाँ 2 हाइड्रोजन है इधर एंड ऑक्सीजन का हो गया 3, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है। तो फ़र्क क्या है कि इधर 2 HCl मॉलिक्यूल्स है, इधर एक ही मॉलिक्यूल है, इधर 2 NaCl मॉलिक्यूल है, इधर एक है। सो यही एक फ़र्क है जो हमने देखा। तो हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी तो बदलेगी, ठीक है, ये है। अब मूव ऑन करते हैं अपने सिक्स्थ एग्जाम्पल पे। सिक्स्थ एग्जाम्पल है बेस का। अब एसिड्स प्लस बेसिस क्या बनाएंगे, एसिड्स प्लस बेसिस सॉल्ट्स प्लस H2O यानी वाटर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिड्स हो गया हमारा क्या, जैसे कि HCl, बेस हो गया NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हम बनाएंगे क्या, NaCl एंड वाटर H2O, H2O, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर एक कंटेनर, एक टेस्ट ट्यूब में अगर हमारे पास क्या है, NaOH है और हमने डाला उसमें HCl, तो बेसिकली पहले ये बेसिक था, ठीक है, लेकिन हमने कोई एसिड डाल के उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि बेसिक अब उसमें रहा नहीं, अब उसमें कोई सॉल्ट आ गया, अब कोई पानी आ गया, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन कॉल दिस एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक दोनों चीज़ें एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं NaCl बना, H2O बना, इसको हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे बैलेंस, बैलेंस्ड है आई थिंक, यस बैलेंस्ड है। इसके स्टेट्स लिख देते हैं HCl इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आई थिंक यस एक्वस सॉल्यूशन है, मेटल प्लस बेस, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है और H2O जो है वो लिक्विड हो जाएगा, NaCl भी। अब बताओ एक्वस होना चाहिए या नहीं, क्योंकि पानी के अंदर हमारा सॉल्ट बना है तो बेसिकली लिक्विड यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व है, तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हमने स्टेट्स भी मेंशन कर दिए, तो ये था सिक्स वन, ठीक है, सिक्स वाला। अब आपकी मर्जी,
आप एक और एसिड्स लेके देख लो, ठीक है, यानी कि एक और एग्जांपल H2SO4। अगर H2SO4 लेंगे तो ये क्लोराइड सॉल्ट की जगह सल्फेट सॉल्ट बनेगा, ठीक है, सल्फेट सॉल्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा क्या, Na2SO4, और ये हो जाएगा वाटर H2O। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 3 हाइड्रोजन है इस साइड, ठीक है, और इस साइड हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, दो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं बाद में, इधर 2 Na है, इधर भी 2 होने चाहिए, कर दिए। अब देखो SO4 इधर क्या, एक है, इधर भी एक है, क्लियर। अब देखो इधर हाइड्रोजन क्या हो गए, 2, ये भी 2, यानी 4 हाइड्रोजन बन गए इधर, और इधर हाइड्रोजन क्या अभी भी 2 है, तो इधर हम 4 अब कर सकते हैं, क्योंकि पहले उधर 3 बन रहे थे, इधर 2। तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करके करें, थोड़ा सा हमने फिर दूसरे कंपाउंड को चेक किया, उनको बैलेंस किया, फिर हम वापस इस पे आए, तो फिर हाँ काम बन गया, ठीक है। तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, राइट, बैलेंस हो चुका है आई थिंक। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 और 2 यानी 6, 6 हाइड्रोजन के, सॉरी 6 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, एंड इधर 4 एंड 2, अगेन 6, सो बैलेंस्ड हो चुका है। इसका हम लिख लेते हैं क्या स्टेट्स, इसको और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा लिक्विड, और ये होगा एक्वस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th वन। अब हम सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यस इट्स द सेकेंड लास्ट वन, सेकेंड लास्ट। अब ये जो 7th प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये 6th से कुछ रिलेट करती है, कैसे, बस इसमें हमने ये बेस को हटा दिया और ये आ गया मेटल, मेटल ऑक्साइड। अब जो सारे हमने बेसिस देखे थे, उनके पीछे क्या लगा रहता था, OH का आयन, OH, राइट, हाइड्रोक्साइड्स लगे रहते थे वो। अब इधर हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, तो फिर मेटल ऑक्साइड्स अब अगर आ गया है तब भी प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा। मेटल ऑक्साइड बेसिकली क्या है, बेसिक है, बेसिक है। तो हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, HCl प्लस कोई मेटल का ऑक्साइड ले लो, जैसे कि CuO, ठीक है, एंड दिस गिव्स अस व्हाट, अ सॉल्ट जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, एंड एक हमें क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। अब देखते हैं इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, उधर हमारे पास 2 है, तो इधर हम 2 हाइड्रोजन कर लेंगे, लेकिन 2 क्लोराइन हो चुका है, लेकिन उधर 2 क्लोराइन है इसलिए बैलेंस हो चुका है। नाउ ये हो गया एक कॉपर एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यानी कि बैलेंस्ड हो चुका है दोनों के दोनों साइड्स। अब इसके स्टेट्स को मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया क्या, हो गया एक्विस, एंड कॉपर, ये जो कॉपर क्लोराइड है ये ब्लैक कलर का है, ये क्या है, ये ग्रीन कलर का है, ये है सॉलिड, ये हमारे पास एक्विस फॉर्म में आएगा, एक्विस, एंड ये लिक्विड, ठीक है, हमने इसके स्टेट्स को मेंशन कर दिए। सो दिस इज ऑल व्हाट, कि एसिड्स को अगर मेटल ऑक्साइड्स के साथ करेंगे तो वही बनेगा जो एसिड्स प्लस बेसिस में बना था, दैट इज सॉल्ट प्लस H2O, और ये अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये वाला भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, दैट इज व्हाट। अब ये कोई रिएक्शन वाला नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन एसिड्स जो हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में, कोरोसिव मतलब यानी कि अगर वो स्किन पे या क्लोथ पे या वुड किसी सब्सटेंस पे अगर फॉल कर जाए तो क्या ये बर्न कर सकते हैं उनको, ठीक है, लाइक स्किन को वो बर्न कर सकते हैं, दे कैन मेक अ होल। एंड अगर वुडन की बात करें तो अगर अगेन ये ब्लैक
जो वुडन सब्सटेंस होगा, जो भी वुड होगा, उसको क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, मतलब अगेन हॉलो कर सकते हैं, उस पर होल कर सकते हैं या जला सकते हैं। अगेन सारे केसेस में इसको बर्न ही करेंगे, ठीक है। सो एसिड इज कोरोसिव इन नेचर, ये अगेन है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिस भी कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिव बेस भी कोरोसिव होते हैं नेचर में। और दूसरा है जो एसिड्स हैं, इनको हमें फिर मेटल कंटेनर में रखना नहीं चाहिए, मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट विल वॉट, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, राइट। तो मेटल इसके साथ रखेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, एंड व्हाट यू विल सी इज दैट एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन होगा एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर हमारा फूड मटेरियल होगा दैट विल बिकम अ पॉइजन, मतलब फूड पॉइजनिंग कर देगा, फूड पॉइजनिंग या हार्मफुल होगा इफ़ वी ईट दैट सब्सटेंस। तो मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि रिएक्ट कर जाएगा, या फिर बोले तो एसिड्स विल ईट अप दैट मेटल, ठीक है। अब ये रहा कि एसिड्स कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, बेसिस भी कोरोसिव होते हैं नेचर में, एंड दे कैन बी डेंजरस, ठीक है, डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर जो हमारे लेबोरेटरी में, साइंस लैब्स में, कि जो हमारे जैसे कि H2SO4 है, तो जो कंटेनर होता है उसके ऊपर एक साइन दिया होगा, लाइक दिस साइन, एक साइन दिया होगा, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जो चीज़ रखी है दैट इज़ डेंजरस, तो उसको केयरफुली अच्छे से यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि डेंजरस, हार्मफुल, हैज़ार्डस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ साइन होगा किसी भी हार्मफुल एसिड्स पे, कोरोसिव एसिड्स पे, कोई भी H2SO4 हो या HCl हो, ठीक है, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, तो एक साइन देखने को मिलेगा, एक ये हजार्डस वार्निंग, एक वार्निंग देखने को मिलेगी कि ये हजार्डस है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कि यस, लास्ट था, ये एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, ठीक है। सो ये क्या बताता है कि ये जो साइन है दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल टू यूज दिस, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए इन केमिकल्स को जब हम यूज़ कर रहे हों। आई होप आपको ये 8 के 8 प्रॉपर्टी समझ आए हैं। अगर समझ आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।